जब इसको खोलते हैं तो उसमें ये आता है, कुछ ऐसा। जी हाँ, आप जब कॉम्पिटिशन जीतते रहते हो तो आपको सब लोग बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत प्यार करके आपको चढ़ाएंगे, वाओ वाओ व्हाट अ मैन, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू आर ये, यू आर वो। हेलो गाइस, दिस इज मनीष यादव, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स अचीवर्स। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और इसके साथ अब जैसा कि मैंने कहा था, इसको देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन कंपनीज में से एक हो चुकी है माय फिटनेस पीनट बटर। एंड आपको दिखाना ये चाहता हूं कि इस वक्त आप जब इसको खोलते हैं तो उसमें ये आता है, कुछ ऐसा। जी हाँ, याद तो होगा, इंडिया फर्स्ट एवर ब्रांड टू स्पॉन्सर मिस्टर ओलंपिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी पीनट बटर की कंपनीज आई छोटे छोटे बॉक्सेस में। वो छोटे छोटे बॉक्स वाले लोग आजकल फुटपाथ पर सोकर जिंदगी गुजार रहे हैं, और हम मिस्टर ओलंपिया का लोगो लगाकर पीनट बटर आपके घरों में, आपके दिलों में उतार रहे हैं। जितने लोग इस वक्त ओलंपिया के साथ हैं, इस ब्रांड के साथ हैं, आप सब जानते हैं कि कितनी तरक्की की है इस ब्रांड ने। और छोटे मोटे बॉक्स में जितने लोग पीनट बटर बेच रहे थे, आपने देखा कि उनको उस तरह की चीप क्वालिटी कंपनीज कहां चली गई। इसलिए वर्ल्ड क्लास ब्रांड यूज करिए बार कोड के साथ, चाहे वो पीनट बटर हो या सप्लीमेंट हो, बिलीव इट और नॉट। आइए आपको एक चीज बताता हूं, आपने देखा होगा, आप जब कॉम्पिटिशन जीतते रहते हो तो आपको सब लोग बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत प्यार करके आपको चढ़ाएंगे, वाओ वाओ व्हाट अ मैन, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू आर ये, यू आर वो। और जब आपने एक बार भी आपका परफॉर्मेंस आपका ढीला होता है ना, तो आपको वही लोग आपको उल्टा बोलना चालू होते हैं कि यार इससे कुछ नहीं होगा, आगे हो गया। तो ये सब चीजों को डील करने का बताया, मैं एक ये चीज को डील करने का एक सिंपल सा मेरा फंडा है, वो है कि अपने काम को अच्छे से करो। आप जितना अच्छे से काम कर रहे हो, अभी मैं जब मिस्टर ने जीता था तो मेरे मेन पूरा जीता, तो लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। फिर तो उसके बाद मैं 3 साल मैंने कंप्लीट नहीं किया, कोविड आया, सब बहुत सारी चीजें आई, कॉन्ट्रोवर्सी हुई, फिर मेरा मेडिकल कंडीशन हुए बहुत सारे, तब हो गया, अभी से कुछ नहीं होगा। जब मैं प्रो कार्ड किया, मैं भी प्रो शो खेल के आया, प्रो शो खेलने के बाद मेरा टॉप 5 में प्लेस नहीं लगा, तो फिर अभी लोग मुझे बोल रहे हैं कि यार इससे कुछ नहीं होगा, ये सब तब हो गया। ना भाई नो, जब मैं फिर से प्रेप करूंगा, जब मैं टॉप 5 में बैठूंगा या गोल्ड मेडल जीतूंगा, तब मुझे मालूम है फिर वही लोग मुझे अच्छा बोलना स्टार्ट करेंगे। तो इट्स लाइफ, लाइफ की जर्नी है, कुछ आपको अच्छा बोलेंगे जब अच्छा कर रहे हो, जब आपका टाइम अच्छा नहीं होगा तो आपको बुरा ही बोलेंगे। तो यू हैव टू थिंक कि आप अपने लाइफ में, अपनी चीजों में और अपने लाइफ में क्या आप बेटर कर सकते हो। तो मेरे लाइफ में अभी फिलहाल टारगेट यही है, गोल यही है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, जो मेरी वीकनेस है उस पर वर्क करूँ, मैं एक प्रो से भी सीखूँ, एक अमेचर से भी सीखूँ। मैं दोनों की बातों को बिलीव करता हूँ, जैसे एक अमेचर एथलीट है उससे भी सीखता हूँ, एक प्रो एथलीट है उससे भी सीखता हूँ, मैं जेरेमी सर से भी सीखता हूँ, मैं फिटी सर से भी सीखता हूँ, मैं सिद्धांत भाई से भी सीखता हूँ। सिद्धांत भाई इज अमेचर राइट नाउ, जेरेमी मुंडे इज 5-time मिस्टर ओलंपिया, एंड फिटी सर वो एक प्रो लेवल के ओलंपियन है। तो ये तीनों देखो एक स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन मैं तीनों से सीखता हूँ, तीनों को मैं गुरु मानता हूँ, तीनों को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, यू नो। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे चीज सीखता हूँ। तो देखो, सीखने की ना कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना सीखोगे उतना कम है। तो कीप लर्निंग, कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड। आपके वर्क पे बिलीव करो, आप जो चीज कर रहे हो उस पे बिलीव करो,